कल ही बट कल बिकॉज ऑफ सम रीजन आई कोड इन रिकॉर्ड आउट साइड तो अब मैं ये वाला वीडियो बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को लग रहा है मैं इतना ऊपर कैसे चढ़ाऊँ तो मैं बेसिकली एक मंकी बार के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ आई टू डिस मंकी बार बहुत ज़्यादा बचपन में बिकॉज वो जो पूरा स्विंग वाला मोमेंट है वो मुझे होता नहीं था एंड उसके बाद से यू नो ना देट आई कैन डू सम तो आई ऑलवेज कम कमेंसेट हेयर दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी दिस सी सिटी विस्तार दिस इज जस्ट कपल ऑफ मिनट्स वॉक अवे फ्राम माई होम एज सच आई रियली एन्जॉय सिटिंग लुकिंग सुबह सुबह देखो बात करना शुरू करो कुत्ते पहले भागने लग जाते हैं यार हिंदुस्तान के अंदर बट इट इज हाउ इट इज़ एंड आज पासपोर्ट वाला काम भी करना है जो एक प्राइमरी रीज़न था इसकी वजह से मैं बरेली आया था एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड पासपोर्ट के काम इतने ज़्यादा लंबे क्यों खिंचते हैं एंड ऑफिशियल काम इन जनरल इतने ज़्यादा लंबे क्यों खिंचते हैं इट शुड भी एज सिंपल एज जस्ट अपलोड योर आधार कार्ड यहाँ पे एंड यू नो जस्ट अब हर फोन के अंदर बायोमेट्रिक तो है ही तो वाई कार्ड जस्ट आई यू नो मैन सिंपली उसमें अपलोड करके क्यों नहीं हो सकता लाइक वाई डू आई कम यहाँ पे पूरा एंड देन गो टू द सेवा केंद्र इन एवरी थिंग बट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू वॉट आई एव हर्ड ओवर द ईयर्स पहले तो शायद और भी ज़्यादा टाइम लगता था और भी ज़्यादा दिक्कतें होती थी द रीज़न इट्स टू चेंज बिकॉज द लास्ट टाइम वी अपडेटेड द पासपोर्ट वी आर नॉट स्मार्ट इनफ टू पुट मोहम्मद अब्दुल्ला सरकार एज सेपरेटली इन फर्स्ट ने सर नेम्स तो अभी मेरा पूरा फर्स्ट नेम मोहम्मद अब्दुल्ला सरकार हुआ हुआ विच इज़ ज क्वाइट फनी एंड क्वाइट इनाफ लेकिन मसला ये है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है किसी कंट्री में आपको वीज़ा लगवाना है तो वहाँ पे नो सर सरने वाले पासपोर्ट्स में कभी कभी दिक्कत आ सकती है यूरोप की कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिकली तो मुझे अभी जाके ये सारा काम करना है एंड यह वर्क टू डू कंपनी के लिए भी काफ़ी कुछ uh, काम करना है पॉलीगॉन के लिए तो वो दो चीज़ें थोड़ी अभी संभालनी है जाके एंड दैट्स दस टाइम यू नोट डू पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉय करूँगा थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा क्योंकि मैं अपनी वॉक से आ रहा हूँ एंड एम जस्ट टू इन्जॉय द व्यू यहाँ पे फ्राम दी टॉप एंड नो इफ यू गाइस कैन सी बहुत अच्छे से मैं दिखाने की पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ मतलब कुछ ऐसा ऐसा देखने को है नहीं लेकिन अगर आप ओखला में रहते हैं ना या दिल्ली में किसी ऐसे कंजस्टेड एरिया में रहते तो ये सब चीज़ें आपको आ, बहुत ज़्यादा यू नो स्पेशल लगने लग जाती हैं तो शायद वही मेरे साथ हुआ है